और चलिए बात करते हैं, आज नवरात्रि की नौमी है। नवरात्रि के नौवे दिन देवी दुर्गा के नौवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना भक्त पूरे विधि विधान के साथ कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन बल यश के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस खास दिन देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ने महानवमी के दिन राक्षस महिषासुर का वध किया था। तो आज नवरात्रि की नौमी है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की जा रही है। हालांकि आज नौ कन्याओं को भोजन कराया जाएगा, नौ कन्याओं का पूजन किया जाएगा। तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अयोध्या से निमिष हमारे साथ हैं, आगरा से शिव कुमार हमारे साथ हैं और हरिद्वार से पुलकित हमारे साथ हैं। सबसे पहले अयोध्या लिए चलेंगे और निमिष के पास। निमिष, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज नवरात्रि की नौमी है और आज मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। वहां किस तरह की रौनक, किस तरह की तस्वीर? देखिए, भगवान राम की नगरी में सुबह से ही माता की आराधना का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। महाआरती के बाद माँ छोटी दुकाली मंदिर का कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुला है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सबसे पहले हम अपने घर बैठे दर्शकों को माँ सीता की कुल देवी छोटी दुकाली मंदिर का दर्शन कराना चाहेंगे। ये श्रद्धा से सराबोर स्थल है जहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु आ रहे हैं। दर्शन पूजन का जो दौर शुरू हुआ है वो भोर से शुरू हुआ है और ये माता के स्वरूप का दर्शन घर बैठे श्रद्धालु कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत मार्बल का नजारा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं दर्शन पूजन के लिए। बाकायदा मंदिर प्रशासन के द्वारा कतारबद्ध व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के भी बड़े इंतजाम हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंची हैं। आप कहाँ से आई? कहाँ से आई? हमें अयोध्या से। आज नवरात्र का सिद्धिदात्री क्या? बस आज माता जी रानी का सुबह सुबह दर्शन हो गए, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं है। बस कैसा रहा नौ दिन आप लोगों के लिए यहाँ पर? बहुत अच्छा रहा, बहुत रौनक रहती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। बहुत रौनक रहती है, बहुत अच्छा लगता है। और भी बहुत तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं। दर्शन करने के पश्चात लोगों ने यहाँ पर माता आशीर्वाद लिया है, उसके बाद लोग परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। चूंकि आज नवरात्र का नवा दिन है, माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप का पूजन हो रहा है, लोग अपने घरों में कन्या पूजन करेंगे। बिल्कुल निमिष, और लोग अपने घर में कन्याओं का पूजन भी करेंगे। आपको आगरा भी लिए चलते हैं। शिव कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शिव कुमार, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, जो दर्शन करने के लिए आए हैं, आप उनसे भी बातचीत करिए, क्योंकि आज नवरात्र की नौमी है और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल, नौ दुर्गे की नौमी पर आप देख सकते हैं कि यहाँ चामुंडा देवी मंदिर पर भक्तों आ रहे हैं, अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ देखिए तैयारी चल रही है पूजा की। यहाँ 11 दीपक बनाए जा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं जो महंत है वो भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। ये प्रसिद्ध चामुंडा देवी का मंदिर है, आपको दर्शन कराएंगे अपने दर्शकों को। आप देख सकते हैं ये चामुंडा देवी का मंदिर है और कह सकते हैं कि ये सबसे प्राचीन मंदिर है। अंग्रेज भी इसको उठाना चाह रहे थे लेकिन टस से मस नहीं कर पाए। और बगल में रेलवे लाइन है और एक तरफ माता रानी का मंदिर है। एक बार वो फिर दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि जिस तरीके से देखिए जो भक्त है वो यहाँ पूजा अर्चना करने आ रहे हैं सुबह से ही। और मंदिर में घंटाघंटाल बज रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है। जो सिद्धिदात्री माता है उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। आज नौ दुर्गे का नौमी है और उसी को लेकर भक्तों का सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा हुआ है। जिस तरीके से भक्त लगातार आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता से मनोकामना मांग रहे हैं, और माना जाता है कि चामुंडा देवी मंदिर पर जो भी भक्त सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बिल्कुल, आप बने हमारे साथ। गोरखपुर भी लिए चलते हैं, रामगोपाल भी हमारे साथ है। रामगोपाल, आप वहां की भी तस्वीरें दिखाइए और भक्त जो वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत भी करिए आप। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज
नवरात्र के नौमी की पूजा अर्चना की जा रही है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना आज हो रही है विधि विधान के साथ। और अयोध्या एक बार फिर से लिए चलते हैं, निमिष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। निमिष, क्योंकि कहते हैं आज का दिन बेहद ही खास माना जाता है क्योंकि आज नौ कन्याओं का पूजन तो किया जाता है लेकिन इसकी अलग भी मान्यता मानी जाती है। अगर वहां पर पुजारी मौजूद हो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए कि आज के दिन का क्या महत्व है। जी बिल्कुल, आज के दिन का विशेष महत्व है माता के नवे स्वरूप की यानी कि सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या चीज भैया? नवे दिन की क्या आज के स्वरूप की माता की आराधना की क्या विशेषता? क्या कह रहे हैं? आज माता की आराधना की क्या विशेषता है नवे दिन सिद्धिदात्री? नहीं सुनाई पड़ रहा है, क्या कह रहे हैं आप? माता के दर्शन कराने का हम लोग फिर से प्रयास करते हैं क्योंकि यहाँ से पुजारी के पास जाना सुरक्षा के कारणों से प्रतिबंधित है। वहाँ पर कैमरा वहाँ तक हम ले नहीं ले जा सकते लेकिन यहाँ से जो दर्शन है माता के स्वरूप का, माता की आराधना का, वो करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? शास्त्री नगर से। आज माता के नवे स्वरूप का दर्शन है, आज क्या क्या होगा? कन्या पूजन कब करें? कन्या पूजा होगा, कन्या खिलाएंगे सब लोग, नौ दिन का व्रत है, सब लोग श्रद्धा है सबके मन में। नौ दिन छोटी देवकाली माता का क्या महत्व है? मनोकामना इनकी बहुत है, जो मन से मांगे वो सब कुछ पूरा होता है। मन से मांगे वो सब कुछ पूरा हो जाता है। माता जी आप हम और माता जी कहाँ से आई हैं? चूंकि लोग पूजन में व्यस्त है और आप बिल्कुल निमिष, लोग पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं तो इससे वो बात नहीं कर पा रहे हैं। और आगरा फिर से लिए चलते हैं आपको। शिव कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव कुमार, आप जरा वहां की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो दर्शक मंदिर अभी नहीं पहुंच पाए हैं वो घर बैठे न्यूज 18 के माध्यम से उन तस्वीरों को देख सकते हैं और माँ का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। बिल्कुल जरूर, मैं माँ चामुंडा देवी के दर्शन कराऊंगा अपने दर्शकों को। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महंत है वो यहाँ मंदिर में तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि आज यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पूजा अर्चना की जाएगी और यहाँ पर नौ देवी वो है कन्याएं, उनकी भी यहाँ पर पूजा की जाएगी। एक बार यहाँ महंत जी से बात कर लेते हैं, क्या कुछ आज के दिन की महत्वता होती है और शिवरात्रि माता की पूजा पर क्या कुछ आज दुर्गा का नौवा स्वरूप होता है सिद्धिदात्री। आज के दिन पूजा उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है शिव कुमार, आपके पास वापस लौटूंगी। और गोरखपुर लिए चलते सहयोगी रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, वहां की जरा तस्वीरें आप दिखाइए और जो भक्त वहां पर मौजूद है जरा उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, गोरखपुर में भी आज नौ कन्याओं का पूजन होगा लेकिन गोरखपुर में आज एक खास व्यक्ति कन्या पूजन करेंगे और वो है गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज वो गोरक्षनाथ पीठ में जो है कन्या पूजन करेंगे और वहां पे 101 कन्याओं का पूजन करने के साथ साथ जो पटुक हैं उनकी भी पूजन होगी और उसके बाद फिर कार्यक्रम। इस वक्त मैं गोरखपुर के गोलघर में मौजूद हूँ और गोलघर का एक प्रसिद्ध काली मंदिर है उसके मैं दर्शन पहले सबसे आपको करा दूं। और यहाँ पे जो भक्त हैं वो सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं, माँ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। दर्शन हो गए? हो गया भैया। मान्यता है भगवान जी? हाँ मान्यता है, है? दर्शन आप लोगों ने कर लिए? हाँ हाँ, हम दर्शन कर लिए माता जी का, जो मनोकामना किए थे वो पूर्ण कर लिए, माता जी से दया मांग लिए। यहाँ आने से मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ हाँ हाँ, माता रानी बहुत जगता है, मनोकामना पूर्ण हो जाता है। मैम कितना मान्यता है इस मंदिर की? सुनते हैं बहुत पुराना मंदिर है काली मंदिर गोलघर का, इसलिए हम लोग हर साल यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, माता जी बनी रहती है। बिल्कुल रामगोपाल, गोरखपुर के काली मंदिर की बहुत ही मान्यता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और आपको बताते चलें कि आज नवरात्रि की नौमी है और सीएम योगी गोरखपुर में 101 कन्याओं का पूजन भी करेंगे। गोरखनाथ परिसर में आपको बताते चले कि कन्या का पूजन होगा। हर साल गोरखपुर में सीएम योगी पूजा अर्चना करते हैं, कन्या पूजन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ 101 कन्याओं का पूजन करेंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में कन्याओं का पूजन होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और देखा जाता है कि हर साल ही सीएम योगी आदित्यनाथ नौमी के दिन ही कन्याओं का पूजन करते हैं।
इससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नवरात्र की अष्टमी पर हवन पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में महानिशा पूजा और अनुष्ठान हवन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। हर साल सीएम योगी पूरे विधि विधान के साथ नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का अनुष्ठान रविवार रात गोरक्ष पीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 2 घंटे से अधिक चले अनुष्ठान में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने गौरी गणेश पूजन, वरुण पूजन, पीठ पूजन, यंत्र पूजन, माँ दुर्गा विधिवत पूजन, भगवान राम लक्ष्मण सीता का पूजन, भगवान कृष्ण गौ माता का पूजन, नवग्रह पूजन, विलव अधिशास्त्री देवता पूजन और शस्त्र पूजन, द्वादश ज्योतिर्लिंग, अर्धनारीश्वर और साथ ही शिव शक्ति पूजन, वटुक भैरव, काल भैरव, त्रिशूल पर्वत पूजन किया है। इसके साथ ही हवन की वेदी पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र और अग्नि देवता का आवाहन कर पूजन किया है। इसके बाद लोक मंगल की कामना के साथ हवन पूजन किया सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक दुर्गा पांडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल इस दुर्गा पांडाल में विज्ञान और आस्था का संगम देखने को मिल रहा है। इस पांडाल में चंद्रयान और रोवर भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यहां माता की भव्य और सुंदर मूर्ति होने के अलावा भारत का गौरव भरे चंद्रयान को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। दिल्ली में गिरते तापमान से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन प्रदूषण ने परेशानी बढ़ा दी है। प्रदूषण, स्मोग और धुंध की परत ने एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आगरा में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। रविवार रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश हरभजन के पैर में गोली लगी है। बदमाश को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है और साथ ही मोबाइल, पर्स, सोने के जेवरात और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। 16 अक्टूबर को थाना हरिपर्वत क्षेत्र के पालीवाल पार्क में बदमाश हरभजन ने चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अभियुक्त घायल हुआ है। आवश्यक उपचार के लिए अभियुक्त को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। अभियुक्त के पास से एक चोरी का की मोटरसाइकिल, एक चोरी का मोबाइल फोन और एक पर्स और एक येलो मेटल और एक इलीगल वेपन बरामद हुआ है। आगे भी खबरें जारी हैं, आ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।